हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे अगले वर्ष ये बनने वाला आपको इतना धन बरसे कि धनतेरस में आपको एक तिजोरी खरीदने पड़े। सर आपका 2 मिनट में लेने वाला हूँ। पता है मैं ऑलरेडी आप सभी प्रिपरेशन में लगे हुए हो। हाँ, दुनिया दिवाली मना रही है, आप अपना बैठ के तैयारी कर रहे हो। एंड कोई बात नहीं, अगले साल CA बन के दिवाली मनाने में मज़ा ही कुछ और आएगा। ठीक है सर, बस एक छोटा सा डिस्कशन करूंगा। एक बच्चे ने मेरे को बोला था, एक स्टूडेंट ने मेरे को बोला था कि सर एक बार मेरे को है ना सर बता दो कि क्या CFS में कौन सा पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा करना। तो इसके लिए सबसे पहले मैं थोड़ा ना बस ज़्यादा नहीं 2 मिनट लेने वाला हूँ यहाँ पे। देखो, आपके टेस्ट योर नॉलेज में क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन को प्योर बोला हूँ अच्छे से करना हो। और अच्छे से मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कैलकुलेशन लेके बस कैलकुलेटर पे करना है, बिल्कुल नहीं। सर किस बेसिस से बोल रहे हो? मैंने लास्ट के ना मतलब 2019 से मॉक टेस्ट निकाला था एंड आई बिलीव नहीं करोगे, उसमें से 2-3 बार चेन होल्डिंग आया हुआ था। उसमें एक बार ICAI ने पूछ दिया एंड एक बार रिप्लेसमेंट अवार्ड का क्वेश्चन था जहाँ पे परचेस कंसिडरेशन था, वो भी पूछ दिया। बट ये मेरे को 2-3 जगह दिखा है, 2-3 बार मॉक टेस्ट में मेरे को ये सेम क्वेश्चन दिखा है, बट जो भी ICAI ने टेस्ट नहीं किया है, मतलब लास्ट 3-4 अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, अभी तक ICAI ने टेस्ट नहीं किया है। मैं बताता हूँ, जुलाई 21 अटेम्प्ट बताता हूँ जहाँ पे ऑडिट पेपर हार्ड आया था, वहाँ पे ICAI ने चेन होल्डिंग पूछा था। दिसंबर 21 मेरे पेपर में ICAI ने रिवर्स एक्विजिशन पूछा था। ठीक है, अभी जो हाल फिलहाल का अटेम्प्ट गया मई 22, वहाँ पे ICAI ने कहीं ना कहीं परचेस कंसिडरेशन, रिप्लेसमेंट अवार्ड, थोड़ा मोड़ा ना बिजनेस कॉम्बिनेशन का एडजस्टमेंट पूछा था। तो मेरा ज़्यादा फोकस मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4, बस आपको 4 और 5 पे थोड़ा अच्छे से करना। देखो, दोनों मिलता का क्वेश्चन है, डिविडेंड का एडजस्टमेंट्स है यहाँ पे, आपको फिक्स एसेट का एडजस्टमेंट है एंड 2-3 बार ये मॉक में आ चुका है, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन तो आपको प्योर अच्छे से करना है। नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन मॉक टेस्ट में दिखेगा, ये वाला, ये भी रिपीटेडली ICAI लगातार मॉक टेस्ट में घुमा रहा है, तो पता नहीं किस अटेम्प्ट में आपको ये देखने को मिल सकता है, और क्या पता इसी अटेम्प्ट में देखने को मिल सकता है। कभी कभी होता है कि मॉक टेस्ट के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ये क्वेश्चन भी करके जाना है। एंड एक चेन होल्डिंग का क्वेश्चन तो भाई साहब कर लेना। ठीक है, चेन होल्डिंग मेरा फेवरेट है, मैं अभी अपने टेस्ट सीरीज में चेन होल्डिंग क्वेश्चन रख भी रहा हूँ, बिकॉज क्या था ना, ओल्ड सिलेबस में चेन होल्डिंग लगभग 2-3 अटेम्प्ट के बाद आ ही जाता था। जुलाई 21 में आया, दिसंबर 21 नहीं था, मई 22 नहीं था, क्या पता एक चेन होल्डिंग क्वेश्चन दिख जाए। तो ये 4 क्वेश्चन मेरे हिसाब से टॉप फेवरेट बोल लो आप, बिजनेस कॉम्बिनेशन या CFS का जो बड़ा क्वेश्चन आता है, यहाँ से ये 4 क्वेश्चन मेरे हिसाब से मेरा फेवरेट है ये। ठीक है, तो एक एनालिसिस से बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि फेवरेट इन द सेंस नहीं, एनालिसिस से बोल रहा हूँ। ठीक है, एंड मॉक टेस्ट में ये घूम रहा है। ठीक है, मॉक टेस्ट में घूम रहा है, कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि मॉक टेस्ट का यही क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुट के एग्जाम में आ जाता है। तो बहुत ये क्वेश्चन आपको ना RTP में भी दिखेगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन आपको RTP में भी दिखेगा। तो ये क्वेश्चन एंड इसका टेस्ट नॉलेज का आप कंसिलेशन चैप्टर पाओगे, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एंड एक आपको चेन होल्डिंग का क्वेश्चन, ये आपको मतलब डिट तो अच्छे से करके जाना, मतलब कोई भी मिस्टेक नहीं चाहिए, प्रॉपर एडजस्टमेंट के साथ आपको ये प्रैक्टिस करना है। बस एक छोटा सा था, मैं बता दिया कि 16 नंबर चांसेस है कि हो सकता है यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। एक क्या और मैंने देखा, लीजेस चैप्टर पिछले टाइम में बिल्कुल नहीं आया था, तो चांसेस है यहाँ पे ICAI लीजेस चैप्टर का एक अच्छा पोर्शन दे सकता है। मैंने एक 2 मॉक टेस्ट में देखा था 16 मार्क्स का ICAI ने लीजेस चैप्टर से पहला क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो पता नहीं किस टाइम में 16 नंबर मिल जाएगा लीजेस का, लीजेस कोई बड़ा क्वेश्चन होगा तो उसको अच्छे से करके जाना। ठीक है, बस इस पे बोल रहा हूँ फोकस अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट मैंने ICAI मैंने 1.5 डेज का, ठीक है, एज पर जो मैंने अपने ऑडिट सेवियर बनाया था, सेम मैंने लॉ के क्वेश्चन में 1.5 डेज रिगार्डिंग, जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट MCQ, इंपॉर्टेंट केस सिनेरियोस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पुट कर दिए, दोनों मेरे ऐप पे है, जिसको जाना है भाई साहब वहाँ पे जाओ परचेज करो, PDF आपको शेयर हो जाएगा। ठीक है, एंड तैयारी करते रहो। ठीक है, नेक्स्ट दिवाली आपकी होने वाली है, चलो इस दिवाली को कोई बात नहीं, इन्जॉय करने तो बाहर वाले को, नेक्स्ट होली दिवाली जो आने वाला है वो आपका रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक ऑडिट के एंड लॉ के क्वेश्चन बैंक एप्लीकेशन पे है, एंड ये 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन टेस्ट नॉलेज का, 1 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया इस बार के, दोनों MTP में है। इस बार का 1 MTP में आपको मिल जाएगा, जो MTP नंबर 1 है ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, RTP मिल जाएगा ये क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन आपको दूसरा MTP मिल जाएगा। चेन होल्डिंग तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको अपने बुक में। तो ये 4 क्वेश्चन ऑडिट सेवियर एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन का लिंक मैं डाल दूंगा, लॉ क्वेश्चन बैंक पे मैंने डाल रखा है, तो जिसको नहीं मिला वहां से आप जाके ले सकते हो। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट।